हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मिट्टी इमली की चटनी और पुदीने और काचू की खट्टी चटनी। तो इसके लिए हम पुदीने के पत्ते मिक्सी के जार में डाल रहे हैं और काचरे को आप छील के काट लें। हरी मिर्ची 3 ले लें और एक बड़ा प्याज ले लें। तो काचरे को पंजाबी में चिब्बड़ भी बोलते हैं और राजस्थान में काचरू बोलते हैं, और आप इसको देख के समझ ही गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। अब आप इसमें डालिए थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और आधा चम्मच चाट मसाला, और ये आपकी तैयार हो गई हरी पुदीने और काचरे की चटनी। इसके साथ हम बना रहे हैं खट्टी मीठी इमली की चटनी। उसके लिए हमने एक कटोरी इमली को भिगो के रखा था। अब इसके पल्प को हम छान रहे हैं, छान के गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें हम 2 कड़छी चीनी डालेंगे। फ्रेंड्स, ये तो 5 मिनट में ही बन जाती है खट्टी मिट्टी इमली की चटनी। इसको आप 1 महीने या 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। गैस को आप तेज कर दीजिए, ये हाई फ्लेम पे भी आप बना सकते हो। अब आप इसको चटपटा करने के लिए इसमें डालेंगे 2 चीनी। जब अच्छी तरह घुल जाए, उबाल आने लगे, तब अब इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची, काली मिर्ची और चाट मसाला, धनिया मसाला। चाट मसाला आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप स्पाइसी खाना चाहो। अब आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश और थोड़े से काजू। अगर आप चाहो तो इसमें आप सौंठ पाउडर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला इसमें। कुछ लोग सौंठ पाउडर भी डालते हैं थोड़ा सा। चलिए, आपकी खट्टी मिट्टी इमली की चटनी बनके तैयार है। इसको ठंडा होने पर ये गाढ़ी हो जाती है। दोनों चटनी आपकी तैयार है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा चटनियों का टेस्ट।